नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछु। मु सपना आरंभ करबा खबर अभियान। ममिता मेयर हत्याकांड घटारे सारा ओडिसा रे हलचल लागि रहितबा बेले आज कलाहांडी गस्तरे जाउछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सकाळ 10:30 रे मुख्यमंत्री कलाहांडी रे पहुंची बिजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन करबार कार्यक्रम रहिछि। सेपटे आज ठारु मुख्यमंत्री को सामाजिक बासंदर अभियान आरंभ करबो बीजेपी। गस्त समय रे पूरा कलाहांडी रे चक्का जाम करा जीवो बोली बीजेपी पूर्वरु चेतावनी देछि। अन्यपटे कांग्रेस पक्षरु मध्ये आज कलाहांडी रे जनता कर्फ्यू डाकरा दिया जायछि। सेपटे ममिता मेहर हत्याकांड घटना को नहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेटी तदंत रिपोर्ट देला तीन जणिया प्रतिनिधि दल। बीजेपी महिला मोर्चा सभापति एस श्रीनिवासन एवं बीजेपी विधायक रूपा मित्र चौधरी को नहीं तीन जणिया टीम गठन करा जायतिला। जेपी नड्डा नेतृत्व में निर्देश क्रमे ही टीम अक्टोबर 29 तारीख में ओडिशा गस्तरे आसिबा सह बलांगीर झरणी गांव को जाई ममिता परिवार को भेटिथिले। कोटियारे आंध्रर आधार चाल ओडिशा सह आलोचना पूर्वरु आंध्रर आउ एक चक्रांत। कोटिया लोकंकु आंध्र बांटुची आधार कार्ड। तेलुगु अक्षररे लेखाथिबा आधार कार्ड बंटन करुची। आंध्र एजेंट चर्च रे काम करुथिबा पास्टरो तांको समर्थकंक जरिया रे बंटन करा जाउची। एपटे गत दुई दिन धरी कोटियार विभिन्न स्थान रे लगाईछि आंध्र सरकारंक विज्ञापन बोर्ड। से कौन नहीं किसी नहीं से भी लोकाल लोक आका से चाष करुच्चे आणिकी तुम गाँव पाख लोकटा बोल गलार से मैंने मत दे ना मुई बांटार ना देवार मुई कौन पाई बांटी मुझे गोटे आंध्र कर्मचारी ना कि आंध्र तरफ रु कोटिया ग्राम पंचायत आधार कार्ड बांटापर निजर साहस ना बेले ये अंचल पादरी माध्यम आधार कार्ड बांटुवा समय ओडिशा नागरिक महामंच अध्यक्ष प्रद्युम शतपथी मुरलीधर एवं आम विभिन्न दृश्य श्राव्य गणमाध्यम बंधुगण तार प्रतिरोध करते से स्वीकार करते बांटापी आंटी पार तेना आंध्र समस्त चक्रांत को गोटे पर गोटे चक्रांत को पंड करापर बर्तमान नुआ नुआ योजन आंध्र अनुप्रवेश चेष्टा कर। पूरी ब्रह्मगिरी नाथपुर अंचल रे गोष्ठी संघर्ष रे 40 रु अधिक बोमा माड़ घटन 10 रु अधिक आहत होता बेले गुड़ी माड़ में गुरुतर होता सूचना मिली। गुड़ी माड़ में स्थानीय अंचल रूपक भोई गुरुतर होता बेले कोरांडिया डाक्तरखाना भर्ती कर तबे जमी जबरदखल को केन्द्र करी एही गोष्ठी संघर्ष लागिथिबा सूचना मिली। रविवार अपराह्न रे एही बद उग्र रूप धारण करथिबा बेले गोष्ठी संघर्ष रे परिणत होइथिला जहाँ दुई गोष्ठी पक्षर बोमा माड़ होता बेले 30 रु अधिक घर पोड़ी जाइथिबा सूचना मिली। तबे घटनास्थल रे उत्तेजना को दृष्टि रे रखी वर्तमान स्थानीय अंचल रे 3 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन रहिथिबा जणापड़िछि। पूरी सत्यवादी रेल फाटक निकट केनाल रोड अंचल रे घटी एक अभावनीय घटना। पंचम श्रेणी छात्री को विवाह करी जबरदस्ती रखिथिबार अभियोग होईछि। नाबालिका को सत्यवादी थाना अधीन एक बस्ती में 45 वर्षर एक व्यक्ति विवाह हो जबरदस्त रखिथिला। स्थानीय युवकों ठारु खबर पाई सत्यवादी थाना अधिकारी नाबालिका को उद्धार करने घर लोक अटक रखी पचराउचरा कर समस्ते मत कहते हाथ में रोच ये करे कर कहली तो बाहर को ना मुझे गोटे छोट झीर आज बाहर काली बोली खबर पाई आम ये आसलु तापर पूरी चाइल्ड लाइन को फोन कलु से मैंने फोन उठेले कहले बापा माँ कम्प्लेन नदे हेनी तापर देख लु जे ठीक अच्छे हाँ हाउ तापर आम आसलु गोटे निर्दिष्ट गणमाध्यम को फोन कलु से आसिले आउ आसला परे एठी देखला बेलू बाहर होती गोटे छोट 12 वर्ष झील आउ 45 वर्ष पुह इन आसिले तांगु रेस्क्यू कले जाइछन से थाना को ना मु जानि किछ बर्तन खबर पाई के आसिले लेकि जाउ कोन त घटना किछ जानि नै काहा को नेले आज तो बर्तन दि जणा जणा मुसा जिरे माने पुरुष महिला को के की अछु ए दि जणा भाई अछु एटा बर्तन दि जणा छथि के मु जानि नै माने के जानि नै कोन से भिड़ होइ छनु नै कि जाउ।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଛି ପହିଲି ଶୀତ। ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9ଟା ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହୁଛି ସମଗ୍ର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। କାକର ଟୋପାରେ ମୋତିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଫୁଲପତ୍ର। ପହିଲି ଶୀତର ବେଶ୍ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ। राजधानी दिल्ली में सांघातिक हेलाणी वायु प्रदूषण। दीपावली में दुई दिन पर भी वायुर मान विपज्जनक स्थित रही। गत पांच वर्षर रेकर्ड काटि चलित बर्षर वायु प्रदूषण। एम्स निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया दिल्लीर वायु धूम्रपान अधिक क्षतिकारक। अध्ययन कहू वायु प्रदूषण जो दिल्ली बासिंदा जीवनकाल कमि अधिकांश लोकों फुसफुस कला पड़ जा। दीपावली में बाण फुटाइबा आरंभ कर अधिक गाड़ी चलाइबा कारण प्रदूषण बढ़ी। हमने बात की कि भाई 4 तारीख को दिवाली थी और आज भी प्रदूषण का स्तर अगर काफ़ी खतरनाक स्थिति में है तो उसका कारण क्या है। अभी जो सारे आंकड़े हमने एनालाइज किए हैं उसमें इस बात को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले 5-6 दिनों में लगातार पराली की स्थिति बढ़ी है। दिवाली के दिन उसमें जंप हुआ और साथ साथ जो पटाखे यहाँ छोड़े गए उन दोनों ने मिलकर के हवा की स्थिति को खतरनाक बनाया है। इसलिए पराली जो पटाखे का प्रदूषण है वो तो धीरे धीरे डाउन जा रहा है लेकिन जो पराली जलने की घटनाएं हैं वो जब तक नहीं रुकती हैं तब तक जो है दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है बना रहेगा। इसलिए आज अभी हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग पंजाब हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बुलाई जाए और तत्काल इसको कैसे रोका जा सकता है इसके इमरजेंसी मेजर्स को जो है तत्काल डिसाइड करके और उसको एक्ट किया जाए जिससे कि उस प्रदूषण के स्तर को पराली की वजह से जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। दिल्ली रे लगातार भाबरे बढ़िबारे लागिछि प्रदूषण। एहा भितरे जमुना नदी रे विषाक्त फेण देखिबा को मिलिछि। दिल्लीर कालंदी कुंच अंचल पाखरे जमुना नदी रे बहु परिमाण रे फेण बहुथिबार देखिबा को मिलिछि। फेणर वीडियो सोशल मीडिया रे खूब भाइराल होउछि। विशेषज्ञों कहिबा अनुसार डिटर्जेंट को यही प्रदूषण बड़ कारण बोली कहा जाउ छि। ए घाट की क्या पोजीशन है तो घाट पर तो कोई सफाई उफाई है नहीं तो यहाँ तो लग नहीं रहा कि पिछवट यहाँ मनाया जाएगा। लग रहा है कि फिर अपने घरे पर मनाना पड़ेगा। कोई तैयारी यहाँ दिख नहीं रही है और जो भी है पुलिस वाले वहाँ रोक रहे हैं कि इधर जाना नहीं है। सफाई उफाई तो कुछ है नहीं इस बार। वो देखने आए थे कि क्या है घाट के सफाई वफाई है कि नहीं है पूजा अर्चना होगी कि नहीं होगी इस बार तो लग ही नहीं रहा कि होगा। कंधमाल जिला को छुईची पहली शीत। सकाल पाखापाखी 9टा जाए कुहुड़ी चादर तले घोड़े हुई रहुची समग्र दारिंगबाड़ी अंचल। काकर टोपारे मोतीर भ्रम सृष्टि करुछि फुलपत्र। पहिलि शीतर बेस मजा नेउछन्ति अंचलवासी। शीतुआ सकाळरे निजकु फिट रखिबाकु जोग व्यायाम प्रातः भ्रमण करुछन्ति सबु वर्गर लोके। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे कंधमाळर प्रतिनिधि सीधा सळक राकेश जोडी होइछन्ति आम सहित। राकेश, दारिंगबाड़ी को ओडिसार काश्मीर कहा जाउछि तबे वर्तमान सेठारे शीत किभळी अनुभूति होउछि एवं सेठारे शीत दिने मध्य पर्यटकों सुओ मध्य छुटी थाए तबे सेठाकार लोके किभळी पहिली शीतर मजा नेउछन्ति। जानवान जीवास असुविधा होती जहाद्वारा पर्यटक मानक शीत खुशी दूसरा बेले स्थानीय अंचलवासी को असुविधा आनी दौर से प्रशासन वृद्ध वृद्धा को शीत वस्त्र बांटे स्थानीय लोक अभोग कर तेज पर्यटक मानक शीत बहुत खुशी आनी दौर एवं स्थानीय अंचलवासी को दुख देउची। स्वप्ना निश्चित भाव राकेश आपड़ी सूचना देते तेज सेठाकर बासिंदा कौन सब रही अनुभूति जेहेतु दारिंगबाड़ी को ओडिशार काश्मीर कहा जाउची सेठाकर लोके किभली मजा नेउछन्ती शीतर।
हाँ देखो सपना सकाल सकाल स्थानीय लोक बहुत मजा उठाऊ कुहुड़ी प्रातः भ्रमण करोग कर छोट छोट पिला माने जोग व्यायाम करानी अंचलवासी मत सकाल चाकर भिड़ जमा स्थानीय अंचल शीत को नहीं खुशी प्रकट करु प्रशासनिक व्यवस्था जेहतु वृद्ध वृद्धा किसी मिलूनी ता कौन से वृद्ध वृद्धा को किसी ना कंबल खंडे दे शीत रक्षा पाया निश्चित भाव ओडिशार दारिंगबाड़ी जो ओडिशार काश्मीर कहुवा दारिंगबाड़ू सीधासलख राकेश आम प्रतिनिधि आपंक चित्र देखाते किभली पहली शीतर मजा नेठाकर अंचलवासी धन्यवाद राकेश आपण समस्त अपडेट पर जगतसिंहपुर बालिकुदा ब्लॉक रे चासी समावेश अनुष्ठित हो जाइछि। एठारे बुड़ी अंचल अभाव रे 6-7 पंचायत परिचित एहि अंचलर चासी माने प्रति वर्ष धान चाष धोई जिबार निजर जीविका हराउछंती तेणु चासींक हक पई एहि बाइक शोभा यात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। एठारे चासी मानंकु सचेतनता कराइछंती चासींक हक पई लढाई करबाकु पड़िबो बोली कृषक नेता आलोचना करिछंती। ये जो चिंताधारा जो चिंताधारा है आपणकर गोविंदपुर ठारे पंचपुर गंभीरपुर एक क्रिक निर्माण कर जलसेचन जो कहटा ढा मिछ से कौन जलसेचन कौन चाष जमी जलसेचित होना केवल केतेक चुंगुड़ी माफिया द्वारा ता 2 किलोमीटर तौक गोटे हूँ नगरी बेली गोटे क्रिक अच्छी हंसुआ पर नगरी क्रिक सेपटे रोचे लुणीपा एपटे रोचे मधुरी पा केवल से लुणीपा कि आनी पंचपुर जो धान ये उपकूल ओडिशा धान मीन को नष्ट से एक माफिया राज जहाँ को चुंगुड़ी घेरी करिया योजन अच्छी यहाँ स्पष्ट भाव मुझे आज कौन आम धान चाष ए बर्ष तो माणवसिया को धान टे ना तेणु आम माँ मानकर कि सब कृषि कृषक भाई मानकर कौन प्रकार क्रिक निर्माण न हो ये अंचल सुरक्षा सब अंचल सुरक्षा को दृष्टि रखी सरकार और प्रशासनिक स्तर में आम समस्त पाखे दाबी रखू मंत्री हूँ कि विधायक हूँ से चिंताधारा भितर काम करूँ सब समस्त मंगल चिंता करूँ। अनुगुल छेंडीपदा मेडिकल छकठारे मुख्य फाटकर भित्तिप्रस्तर स्थापन हो जाइछि। यार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती संबलपुर सांसद मुख्य अतिथि भावे संबलपुर बीजेपी सांसद नितेश गंगदेव जोगदेई आनुष्ठानिक भावे छेंडीपदा मुख्य फाटकर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिथिले। छेंडीपदार सामुद्रिक विकास पई आमर चेष्टा जारी रहिछि एवं रहिबो बोली प्रतिश्रुति देइछंती। मयूरभंज सारसकणा ब्लॉक स्थित बड़ चाटरा हाट पड़िया बांधण पर्व अनुष्ठित हो कार्यक्रम में भेटघाट गो खेला कार्यक्रम अनुषित हो कृत्रिम जातिर परंपरा संस्कृति को बचाई रखा सारसकणा ब्लॉक कुड़मी सेना पक्ष दीर्घ दिन पूर्व प्रयास आरंभ कर सांस्कृतिक जागरण पर विभिन्न पंचायत गांवगुड़ी जा ग्रामवासी सहित बस जागरण सृष्टि कर यहाँ आम संस्कृति बचाओ अभियान एक चतुर्थ वर्ष चली जो आप बड़चाटरा पड़िया देखुं कुड़मी जातिर परंपरा संस्कृति भाषा बुड़ जावाई जाऊँगी आम कुड़मी सेना तरफ संस्कृति बचाओ अभियान गोटे आरंभ करें चतुर्थ वर्ष एवं भाषा संस्कृति परंपरा जो जातिर ना से जातिर परिचय भी ना से या जीवित करने कुड़मी सेना सारसकणा टीम जो भाई भाव में कम कर धन्यवाद दूसरी कुड़मी सेना सारसकणा टीम को आमर जो मुख्य दाबी अच्छी कुड़मी जाति को आदिवासी मान्यता सेटारे आम जो आंदोलन जारी रखीचु शेष निश्वास थी पर्यंत कुड़मी जाति को आदिवासी मान्यता जत पर्यंत मिली ये संस्कृति परंपरा भाषा को बचेवा जाए कुड़मी जाति को आदिवासी मान्यता मिलवा दरकार यहाँ हूँ मुख्य लक्ष्य। सनशाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर हत्याकांड घटना एथिरे संप्रक्त थिबा अभियोगरे मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक इस्तफा दाबी हेउछि। यासह मुख्यमंत्री आगमन को विरोध कर नमिता उपयुक्त न्याय और मंत्री इस्तफा दाबी में जनता कर्फ्यू जारी रही तेज जिला कांग्रेस ए सचेतन करेक्षी में पूर्वतन केन्द्र मंत्री भक्तदास जोगदे लोक सचेतन करने ममिता न्याय पर जुडिशियल तदंत दाबी कर जूनागढ़ में ना कैंसी जगह कैंसी सरकारी कार्यक्रम मैंने पब्लिक कार्यक्रम जनसाधारण कार्यक्रम
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇମାନଦାର ଅଛା ଲୋକ କିମ୍ବା ଭଲ ଅଫିସର ହିଁ ଯାଇପାରବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ 52ତମ ମହାପ୍ରାୟଣ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଲା 140 ଏକର ଜମିରୁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଦିନରେ 658 ଏକର ଜମିରୁ 70 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ସଫା କରିଛି ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡଙ୍ଗରିକିଆ କୁଟିପଦର ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଶ୍ରୀପ୍ରୋଲ ଆଦି ଗ୍ରାମର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଝରଣା କୂଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା 140 ଏକର ଜମିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ସଫା କରିଛି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ ରାଜସ୍ୱ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୌର ପରିଷଦ ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଏହାସହ ତିନିଦିନିଆ ଅନରାତ୍ର ଧାରଣା ଓ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବୌଦ୍ଧ ବନ୍ଦ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା 14ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ କରାଯିବ। 12 ତାରିଖରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ 12 ତାରିଖ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 14ରୁ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ କିନ୍ନରଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଚୋରି କରି 2 ଗିରଫ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଗଡ଼ ପଳାଶୁଣୀ ଛକ ନିକଟରେ। ତେଲକୋଇର କିନ୍ନର ମହାମୟୀ ମା ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିନ୍ନରମାନେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲକୋଇ ଆଡ଼ୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ବାଟରେ ଗଡ଼ ପଳାଶୁଣୀ ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଓ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କ ସୁନାହାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲି, ଆମର କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେହେତୁ ଛେଳି ମିଳେ ମୁଁ ଛେଳି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ଆମେ ହେଇଛୁ 3:30-4:30 ଭିତରେ 2 ଲୋକ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକରି ଆମକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଆମର ସୁନା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ଆମର ପୁରା ଲୁଗାଫୁଗା ଟାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଡ଼ାପିଟା କରି ପାଣି ପାଇପ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। 5 ଜଣ ଗିରଫ ସହ ପାଇପ୍ ବୋଝେଇ 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକ ନିକଟରୁ LND କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 11 ଜଣ ସହ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମାଣିବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଧର ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ ରଣସିଂ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଛତ୍ରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୁଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ସାହି ଗ୍ରାମରେ ଧୁଙ୍ଗିଆ ମୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାମର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ଓ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁଅମାନଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଭୟାବହତାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି। ଆରପାରିରେ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କିଶୋର ରଥ ନିରବି ଗଲା କଟାକ୍ଷର ଶାଣିତ ସ୍ୱର। ଲୋକପ୍ରିୟ ପକେଟ୍ କାର୍ଟୁନ୍ କଟାକ୍ଷରେ ଶାଣିତ ଶବ୍ଦ ଓ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ରେଖାଚିତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଶୋର ରଥ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଶୋର ରଥଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।